नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम जिस भर्ती की बात करने वाले हैं उसका नाम है एयरफोर्स एक्स और बाय ग्रुप, जिसके आवेदन फॉर्म 2020 में शुरू होने वाले हैं, जनवरी 2020 में। तो दोस्तों, इस भर्ती के बारे में हम आपसे आज डिटेल में बात करेंगे, इसमें अप्लाई कैसे करना है, एग्जाम फी क्या होगी और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्स ग्रुप के लिए क्या होगी, बाय ग्रुप के लिए क्या होगी, आपकी एग्जाम फीस क्या होगी, आपकी एजुकेशन क्या होगी, इस तरह से हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको इस भर्ती के बारे में बताने वाले हैं। तो अभी मैं आपके लिए पढ़ के दिखा देता हूँ ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जो एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम अभी हैं sarkarirezult.com के होम पेज पे। तो यहाँ पर दोस्तों शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, इंडियन एयरफोर्स एयरमैन सिलेक्शन टेस्ट आर इन्वाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ एक्स ग्रुप एंड बाय ग्रुप जनवरी 2021 बैच वैकेंसीज। तो दोज कैंडिडेट्स आर इंटरेस्टेड टू फॉलोइंग एयरफोर्स कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स एयरमैन सिलेक्शन टेस्ट ने ग्रुप एक्स और ग्रुप बाई जनवरी 2021 के बैच के लिए वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। तो इसी भर्ती के बारे में हम आपको बताएंगे डिटेल में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना ग्रुप एक्स एंड ग्रुप बाई एयरमैन रिक्रूटमेंट ऑनलाइन 2020। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन इशूड, मतलब 11 दिसंबर 2019 के लिए ये जो नोटिफिकेशन है वो एयरफोर्स ने इशू की हैं और एप्लीकेशन बिगन हो जाएंगी आपके, मतलब एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट होंगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिलअप कर सकते हैं 2 जनवरी 2020 से। मतलब आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आप 2 जनवरी 2020 से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन अप्लाई होगी दोस्तों आपकी 20 जनवरी 2020, मतलब 2 जनवरी से 20 जनवरी तक का आपको टाइम मिलेगा भरने के लिए। तो आपके पास में 18 दिन होंगे एयरफोर्स के एयरमैन ग्रुप एक्स एंड बाई के लिए अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप एग्ज़ाम हेल्ड ऑन दोस्तों यहाँ पे 19 से 23 मार्च 2020, मतलब जो इस एयरमैन की वैकेंसीज के लिए एग्ज़ाम होगा वो 19 से 23 मार्च 2020 के लिए होगा और एडमिट कार्ड आपके लिए मिल जाएंगे मार्च 2020 में ही, मतलब 19 मार्च से पहले आपके लिए एडमिट कार्ड भी एयरफोर्स की वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट अवेलेबल नोटिफाइड सून, मतलब इस भर्ती का रिजल्ट कब आएगा उसके लिए अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है, जैसे ही इसका कुछ जानकारी मिलेगी हम आपको बता देंगे। एग्जाम हेल्ड ऑन फेज सेकेंड नोटिफाइड सून एडमिट कार्ड अवेलेबल नोटिफाइड सून, मतलब एडमिट कार्ड और एग्जाम हेल्ड फेज सेकंड के लिए आपके लिए जल्दी ही बताया जाएगा। तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल और ओबीसी के लिए 250 रुपये है और एससी एंड एसटी के लिए भी 250 रुपये ही है। पे द एग्जामिनेशन फीस थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पे ऑफलाइन पेमेंट थ्रू एक्सिस बैंक ई चालान ओनली। तो यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और एक्सिस बैंक के ई चालान के द्वारा आप अपनी जो एप्लीकेशन फ़ी है उसके लिए डिपॉजिट कर सकते हैं। अभी हम आपसे बात कर लेते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पर आपको अगर हाइट के बारे में देखा जाए तो आप हाइट यहाँ पे 152.5 सेंटीमीटर जरूरी है। तो आपके लिए इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपकी हाइट, मिनिमम हाइट 152.5 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। चेस्ट होगा दोस्तों आपका मिनिमम एक्सपेंडेड 5 सेंटीमीटर, मिनिमम वेट 55 kg, मतलब आपका जो चेस्ट है उसको एक्सपेंशन आपके लिए, मतलब उसमें फुलाने के बाद में आपका 5 सेंटीमीटर फुलना जरूरी है चेस्ट, और मिनिमम वेट होगा आपका 55 kg। अगर आप 55 kg वेट है आपके तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है एक्स ग्रुप एंड बाय ग्रुप बोथ एग्जाम्स कैंडिडेट्स एज बिटवीन 17 जनवरी 2000 से 30 दिसंबर 2003 के बीच के जो कैंडिडेट्स होंगे वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 17 जनवरी 2000 से 30 दिसंबर 2003 के बीच में है वही इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स काइंडली रीड द नोटिफिकेशन। तो अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में आपको से अगर बात करें तो ग्रुप एक्स, टेक्निकल एंड वाई ग्रुप के लिए आपको अलग अलग एलिजिबिलिटी होंगी। तो ग्रुप एक्स होता है दोस्तों एयरफोर्स का टेक्निकल ग्रुप और ग्रुप वाई होता है नॉर्मल ग्रुप। तो यहाँ पर ग्रुप एक्स की हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। पहले ग्रुप एक्स की एलिजिबिलिटी दोस्तों इस प्रकार है, आपके लिए 10+2 मतलब 12th class पास होना चाहिए विद मैथ, फिजिक्स एंड इंग्लिश, मतलब आपके पास में 12th pass आपको होना चाहिए और 12th में आपके पास में जो सब्जेक्ट होने चाहिए वो हैं
मैथ, फिजिक्स एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स। आपके 50% मार्क्स होना जरूरी है ट्वेल्थ में। और अगर आपके पास में ये डिग्री ट्वेल्थ पास आप नहीं किया है, हाई स्कूल के बाद में आपने पॉलिटेक्निक किया है, तो आप 3 इयर्स पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए जिसमें 50% मार्क्स होना आपके अनिवार्य हैं। अभी बात कर लेते हैं हम एलिजिबिलिटी बाई ग्रुप की, तो इसमें भी 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास होना ज़रूरी है विद मिनिमम 50% मार्क्स। इसमें आपके पास में इंग्लिश होना ज़रूरी है, मतलब आपके पास मैथ और फिजिक्स ग्रुप एक्स के लिए चाहिए, और ग्रुप बाई के लिए आपके पास में केवल इंग्लिश होना ज़रूरी है ट्वेल्थ में, इंटरमीडिएट में, और आपके इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। और अगर आपने ट्वेल्थ नहीं किया है, पॉलिटेक्निक किया है, तो आपको 2 ईयर वैकेशन कोर्स विद 50% मार्क्स फॉर मॉडल, फॉर मोर डिटेल्स रीड नोटिफिकेशन। तो आपके पास में 2 इयर्स वोकेशन कोर्स होना चाहिए जिसमें 50% मार्क्स होना जरूरी है, अनिवार्य है। तो यहाँ पर दोस्तों बात हो चुकी है एलिजिबिलिटी की और फिजिकल एलिजिबिलिटी की और एज लिमिट की, एप्लीकेशन फ़ी की, इंपॉर्टेंट डेट्स की। और अगर आपके लिए कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट ऑन 2 जनवरी 2020, मतलब आप sarkaririzult.com पे जाके यहाँ पे एयरमैन की जो ये 2020 में वैकेंसीज निकलने वाली हैं इसकी आप इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये 2 जनवरी के लिए लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर आप ऐसे होगा क्लिक हेयर, यहाँ क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पर जाके अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप नोटिफिकेशन दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, और ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर एयरफोर्स की जाना तो वो आप यहाँ से जा सकते हैं। तो दोस्तों हमने आज आपके लिए बताया एयरफोर्स एक्स और बाई ग्रुप की वैकेंसीज के बारे में जो कि 2020 में फिलअप की जाएंगी। ये जो फोर्स डेट है ये 11 दिसंबर 2019 के लिए 4:40 PM पे एयरफोर्स ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे की है। तो हमने आपके लिए बताया आज इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फीस, फिजिकल एलिजिबिलिटी, एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अभी हम आपके लिए लेकर चलते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन। हम नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके आपको दिखा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुकी है, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने ये जो नोटिफिकेशन डाउनलोड की इसको आप पढ़ के तभी अप्लाई करें। यहाँ पर पे एंड अलाउंसेस सभी के बारे में बताया गया है, तो आपका यहाँ पर पे एंड अलाउंसेस भी काफ़ी अच्छा होने वाला है दोस्तों। उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा इसमें पूरी डिटेल में इस भर्ती के बारे में दिया गया है। एज लिमिट हो जाएगी जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड जो भी है आपका, मेडिकल कैसे होगा, रिटर्न एग्जाम कैसे होगा, अप्लाई कैसे करेंगे, पूरा प्रोसेस इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो दोस्तों अभी मैं आपके लिए एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लेके चल सकता हूँ। तो एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे, या फिर आप www.joinindianairforce.co.in पर जाकर भी लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भर्ती बहुत ही अच्छी है, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में काफ़ी ज़्यादा अलाउंसेस होते हैं और आपकी जो सैलरी होती है बहुत ही हाई होती है। तो आप इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो आपके लिए मौका दिया गया है उसको हाथ से ना जाने दें और इस भर्ती में आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। तो दोस्तों ये वीडियो आपके बहुत ही काम की है मैं जानता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।